उन्होंने बोला एक काम करो, आपके पास 500 के नोट पड़े हैं, पता नहीं हाथों को यू करी जा रहा आंखों के सामने, मुझे खुद ही, मैंने कहा हाँ पड़े हुए हैं तो कर आप लेकर आओ। फिर मैं गई ऊपर से, मेरे को 5000 के थे मेरे पास, मैंने सारे उसको नोट 500 के दे दिए। तो बोला की और है अभी, पता नहीं मेरे खुद मुझे समझ नहीं आ रहा उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ऊपर गई, मैं ऊपर जाके मैं और पैसे देख रही और मेरे पास कैश पड़े हुए। दौरान वो कुछ मूवमेंट करा तो कोई मंत्र बोला ऐसा कुछ भी हुआ? कुछ नहीं, बस अपने हाथों को पीछे की साइड ऐसे से घुमा रहा, आगे की ऐसे से घुमा रहा। पिछली गली में भी उन्होंने भी बताया कि 3000 रुपए हमसे भी लेकर गया, और वो भी अच्छी काफी पढ़ी लिखी है, वो कोचिंग पढ़ाती है। पुलिस में कंप्लेंट कराई? मैडम पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस वालों ने यही बोला मुझे क्या करते हम बीच में गए थे, उन्होंने यही बोला कि आप फोटो हमें दे दो, हमें पकड़ा जाएगा तो हम कार्रवाई कर लेंगे। कोई कार्रवाई नहीं की है, वो कहते हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ इस समय रघुवीर नगर में। ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो ठगी करने से जरा भी नहीं कतराते। रघुवीर नगर में बीते दिन एक ही गली से कई लोगों के साथ ठगी हुई है। ठगी भी किस नाम पर? कोचिंग पढ़ाने के नाम पर। एक महिला है रघुवीर नगर में जो कोचिंग पढ़ाती थी, और एक व्यक्ति आता है बोलता है कि मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, और उस दौरान वो उसको सम्मोहन विद्या से सम्मोहित करता है और उससे पैसे लेकर फरार हो जाता है। ये बात यही नहीं रुकती है, इसके अलावा गली से, इस एक गली से निकलकर दूसरी गली में सेम ठगी करता। आइए जुड़कर जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि क्या कुछ घटना थी और उसके बाद क्या हुआ। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। पूजा, क्या करते हैं आप? मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चे को, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक। कितना टाइम हो गया कोचिंग करते? काफी टाइम हो गया, काफी भी 8-10 साल हो गए। कल क्या हुआ था आपके साथ? बस ऐसे ही कोई आया था कि आपका नाम पूजा दीदी है, मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे ना 4 बच्चे ट्यूशन के लिए पढ़ाने हैं, तो 2 बच्चे फोर्थ के हैं 2 बच्चे फिफ्थ के हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो कह लगे आप एडवांस फीस लेते हो या कैसे लेते हो? मैंने बोला कि मैं एडवांस ही लेती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो, आपके पास 500 के नोट पड़े हैं, पता नहीं हाथों को यूं करी जा रहा आंखों के सामने, मुझे खुद ही, मैंने कहा हाँ पड़े हुए हैं तो कर आप लेकर आओ। तो मैं ना एक अपनी मतलब किसी को मेरे साथ भेज दो, तो मैं वहाँ पे आके ना तुम्हें जितने भी तुम्हारे पेमेंट है तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं गई ऊपर से, मेरे को 5000 के थे मेरे पास, मैंने सारे उसको नोट 500 के दे दिए। तो बोला कि और है अभी, पता नहीं मेरे खुद मुझे समझ नहीं आ रहा उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ऊपर गई, मैं ऊपर जाके मैं और पैसे देख रही और मेरे पास कैश पड़े हूँ। तो मैंने बोला कि और मेरे पास कैश नहीं है, यही है। तो बोल लगे आप इनको मेरे साथ भेज दो, मैं इनको 8,500 रुपये मैं दे देता हूँ, जो 5000 आपके लिए वो 3500 रुपये ट्यूशन की फीस बच्चों की, मैं एडवांस आपको पकड़ा देता हूँ, मुझे ना कि दिल्ली से बाहर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बस मैंने पकड़ा दिए। इतने में मैं गई वहाँ पर, तो देखा कि मैंने फिर वो आ रहे थे सामने, मेरी मदर इन लॉ आ रही थी, मैंने उनसे पूछा कि वो भैया कहाँ हैं, तो कहने लगा पैसे लेके वो चला गया। वो कह रहा है कि मैं आपके घर में देने आ रहा हूँ, जो आपके पास 5000 पड़े मेरे को पकड़ा दो। उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ, मैंने पूरा बटुआ उसके हाथ में रख दिया, बस वो लेके चला गया। वहां ढूंढते गई, मिला ही नहीं फिर वो। तो उस दौरान वो कुछ मूवमेंट कर रहा था, कोई मंत्र बोला ऐसा कुछ भी हुआ था? कुछ नहीं, बस अपने हाथों को पीछे की साइड ऐसा से घुमा रहा, आगे की ऐसा से घुमा रहा, बस यही कर रहा। मेरा खुद का दिमाग नहीं पता कि मुझे क्या दिमाग में मेरे चल रहा था क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप बता रहे हैं कि किसी और गली में ये उसने इस वारदात को अंजाम दिया? हाँ, ये पिछली गली में भी उन्होंने भी बताया कि ऐसे 3000 रुपए हमसे भी लेकर गया, और वो भी अच्छी काफी पढ़ी लिखी है, वो भी कोचिंग पढ़ाती है, और ट्यूशन वाले बच्चों को मतलब जो लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, तो गली में जैसे बच्चों से पूछता है कि यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ाता है, उस दीदी का नाम क्या है, तो वही नाम से लेके उसी घर में जा रहा है, और जितने भी उनके पास हो, जितने जितने किसी के पास निकल रहे हैं उनसे ऐसे करके पैसे निकलवा रहा है। देखिए किस तरीके से सम्मोहन विद्या का प्रयोग करके व्यक्ति जो है ठगी को अंजाम देता है। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सारी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है, और बंदा जो है काफी अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह पर। वो कहीं ना कहीं जो ठगी का जो बिजनेस चला रहा है, एक गली नहीं दो गली नहीं हर गली में जाके, जहाँ कोचिंग सेंटर खास तौर पे कोचिंग सेंटर को टारगेट करता है, बच्चों से जानता है कि कौन कोचिंग पढ़ाता है, और इसमें स्पेशली जो घर में सपोर्ट करती है महिलाएं कोचिंग पढ़ाकर अपने फैमिली को सपोर्ट करती है, उन महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, और लगातार 3 से 4 घरों में बीते दिन ये घटना हुई है। तो हमारे घर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? नहीं, मेरी बहू पढ़ाती है, हरप्रीत कौर है। तो बोर्ड लगा हुआ है ट्यूशन का, तो उसने नीचे से आवाज दी है, तो मेरी पोती कहती है बाहर कोई आया है दादी देखो। मैंने देखा है, मैं कहा हाँ भाई क्या काम है? ओ आंटी जी वो कहाँ है?
भाई ट्यूशन वाली दीदी वोट लगा, उसने पढ़ लिया तो मैं कहा वो तो घर में नहीं है, कहा बात हो सकती है, मैं कहा नहीं वो कहीं काम से गए, बस मैंने इतना बोल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो चला गया, पैसे नहीं लिया। मैंने नहीं ऊपर, मैं नीचे आई नहीं। अच्छा, नीचे आती तो वो कुछ करता ना। आप उसी ठगी से बच गए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने उस बंदे को देखा, ऊपर से देखा होगा? हाँ जी हाँ जी। क्या वही बंदा था जो इनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड? यही है। हम लोगों ने और भी लोगों को चुकन्ना कर दिया। अच्छा, जिससे कि लोगों को ये चीज पता लगी कि ये बंदा एरिया में घूम रहा है। जी मैम, ये हमारे सीसी कैमरे से हमने फोटो निकाली थी लड़के की, जो हमारे साथ हो चुका है। हम ये नहीं चाहते किसी और के साथ हो, और लोग ना परेशान हो। आंटी, आप घर से पैसे लेके गए थे? हाँ जी। तो फिर वहाँ दुकान पे जाके क्या हुआ? वो कह रहा माता दुकान क्यों लेके गया था? वो कह रहा मैं अपना घर ले जाऊंगा, मेरी भाभी पैसे देगी 8,000, तुम ले आना। मैं चली गई आगे रास्ते। कह रहा था अच्छा, आपके दिमाग में एक बार भी ये बात पॉइंट नहीं हुई कि मैं 5,000 रुपए दे रही हूँ इसको? नहीं बेटा, सब मुझे पूछ रहे हैं भाई, वो सब भाई मुझे बुला रही है वहाँ जो औरतें, भाई माता जी यहाँ बैठ जाओ, मत जाओ गंद है। मैंने उनको सुनी नहीं, मैं आगे चली जा रही हूँ। वो आगे से मेरा बटवा लेकर कह रहा माता जी मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठो। इतने में मेरी बहू आ गई है रोते रोते, कह रहे बहुत भाग गया पैसे लेके। मैं घर में और कौन अवेलेबल था? घर में सारी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड भी थे, मदर इन लॉ भी थे, फादर इन लॉ। आप उस समय कौन? मैडम मैं अंदर ब्रेकफास्ट कर रहा था, इन्होंने मुझे मेरे पास आए, इन्होंने मुझसे चेंज मांगी खुले पैसे। मैंने कहा मेरे खुले पैसे नहीं है, इनके पता नहीं दिमाग में इन्होंने मेरे को पूरी बात बताई नहीं, इन्होंने अपने जो पैसे उसे दे दूंगे। थोड़ी देर बाद ये आए, जब इनके माइंड से को प्रेशर उतरा क्या हुआ, तब इन्होंने मुझे बोला कि मैंने उसको पैसे दे दिए सब, मैं क्या हुआ, तब इन्होंने मुझे पूरी घटना बताई। तब मैंने इनको उसी टाइम कह दिया कि आपको पैसे लेकर ठग कर चला गया बंदा। पुलिस में कंप्लेन कराई आप? मैडम पुलिस स्टेशन गया था, पुलिस वालों ने यही बोला मुझे, क्या कर सकते हम, भीड़ पे गए थे। उनको मैंने कह रहा व्यक्ति का फोटो है, सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस का मैडम उन्होंने यही बोला कि आप फोटो हमें दे जाओ, अभी पकड़ा जाएगा तो हम कार्रवाई कर लेंगे। इससे अलावा मैंने उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमने कंप्लेंट करवा के आए थे पुलिस स्टेशन, गए थे कंप्लेंट करवाने के लिए। पूरी मैं यहाँ पे नेबर्स को लेके गई थी, गली के नेबर्स को लेके गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है, कोई कार्यवाही नहीं की है। वो कहते हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं करती, इस गली में कुछ भी नहीं करती है पुलिस वगैरह। ठगों के जो हौसले हैं इतने बुलंद हो चुके हैं कि ठगी करने से जरा भी नहीं कतराते। पूजा शर्मा के साथ ठगी करने के बाद वो ठगी उनके पीछे वाली गली में करता है। वो आंटी हमारे साथ मौजूद है जिनकी बहू के साथ ये ठगी हुई है। क्या नाम है आंटी? मेरा नाम माया देवी। माया देवी, आपकी बहू ट्यूशन पढ़ाती है? ट्यूशन पढ़ाती है, मैं घर में नहीं थी तो पीछे से वो आई है। क्या हुआ था? तो पीछे से ऐसे वो पहले बोला कि भाई यहाँ पे कोई ट्यूशन पढ़ाता है, तो बोले हाँ यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता है। फिर एक हमारे पड़ोस की बच्ची लेके आई उसको, तो ऊपर गया तो कह रहे मैं चार बच्चे भेजूंगा और मेरे पास 4,000 है, मेरे पास छुट्टे नहीं है, तो आप मेरे ना साथ। फिर लड़की बहू ने क्या करा, ट्यूशन का बच्चा भेजा उसके साथ। तो वहां तक फिर मैं आई घर पे, घर पे आई तो मैंने कहा क्या हो गया, बहू रो रही थी। फिर मैं गई वहाँ पे, गई उसके साथ। कितने पैसे आपकी बहू ने उनको? 3,500 का नोट दिए थे। तो फिर उसने क्या करा, वो लड़के को भेज दिया। तो लड़के को मैं गई पीछे पीछे, बहू रो रही, तो मैंने कहा बता बेटा वो कहाँ कहाँ लेके गया आपको। फिर बोला यहाँ तक लेके गया था। कह रहा ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। तो फिर मैंने वहाँ के पड़ोसियों को भी सावधान कर दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। तो फिर वो पैसे लेके लड़के से चला गया, गायब हो गया। फिर वो पैसे लेके वहां से फरार हो गया? फरार हो गया वहां से, कहता अभी आ रहा हूँ बच्चों को लेके, मैं फरार हो गया। फिर आपने देखा क्या, जो के इनके यहाँ कैमरे में रिकॉर्ड है वही व्यक्ति है क्या? वही व्यक्ति है। आपकी बहू ने वेरीफाई? हाँ जी हाँ जी वही है। सम्मोहन विद्या का ही प्रयोग कर किस तरीके से सभी को ठगा है, उसने एक नहीं दो नहीं बता रहे हैं। रघुवीर नगर के इस गुजराती कॉलोनी में, साथ ही विष्णु गार्डन और भी जगह इस वारदात को अंजाम दिया है। स्क्रीन पे दिखाई जा रही फोटो और सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति मौजूद है, अगर किसी व्यक्ति को उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कमेंट सेशन या कॉल कर जरूर बताएं, जिससे इस पर उचित कार्रवाई की जा सके और लोग जो हैं ठगी के शिकार होने से बच सकें। इन्होंने दिल्ली पुलिस में कंप्लेन किए तो उनका कहना है देखते हैं, पकड़ा जाएगा तो बता देंगे आपको, कार्रवाई कर देंगे। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।